पराली जलाने को लेकर पंजाब से इस बार राहत की एक बड़ी खबर है। हर साल पंजाब में अक्टूबर नवंबर के महीने में पराली जलाने की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी भगवंत मान की सरकार ने पराली की समस्या से निपटने के लिए अपनी कमर कस ली थी, जिसके तहत पंजाब में योजना को लागू कर लगभग 1,00,000 मशीनों पर पिछले साल और 23,000 मशीनों पर इस साल सब्सिडी दी गई। पंजाब में पराली की समस्या से निपटने के लिए मान सरकार ने पराली से बायोफ्यूल प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनों पर सब्सिडी देने की योजना लागू की, जिसमें पराली को बेलर के जरिए खेतों से इकट्ठा किया जाता है और बायोफ्यूल प्लांट के जरिए पराली को बायोपेलेट्स में बदल दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल फ्यूल्स के रूप में किया जा रहा है। इसके बारे में जब किसानों से बात की गई तो अन्नदाताओं का कहना है कि इससे पहले ऐसा उपराला कभी किसी सरकार की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन अब सरकार ने पराली का हल निकाला है, जिसके कारण अब पंजाब के खेतों में पराली को नष्ट करने के लिए आग नहीं लगाई जा रही। इसके साथ ही किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का शुक्रिया कहा। किसानों का कहना है कि मान सरकार का फैसला पंजाब को प्रदूषण से निजात दिलाने का है। इसके बारे में जब फैक्ट्री मालिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्लांट के लगने से प्रदूषण की समस्या में काफी राहत मिली है। किसानों को अब पराली नष्ट करने के लिए खेतों में आग लगाने की जरूरत नहीं, और साथ ही पराली के बाय प्रोडक्ट के इस्तेमाल से प्रदूषण भी कम हो रहा है। मान सरकार के इस उपराले से नौजवानों को रोजगार भी मिला है, जिस पर नौजवानों का कहना है कि वो मान सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नौजवानों के बारे में सोचा। नौजवानों को रोजगार देने के साथ इस पहल से पंजाब में प्रदूषण की समस्या हल होगी। पराली के धुएं की समस्या से निपटने के लिए मान सरकार ने पहले से ही योजना तैयार की थी और इस योजना को लागू करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए गए, जिसका नतीजा ये है कि अब पंजाब के किसान खुद पराली को जलाने से मना कर रहे हैं और पराली की समस्या का हल निकालने के लिए और मशीनों पर सब्सिडी देने के लिए मान सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।